रंग बिरंगा आसमान, एक अद्भुत चमत्कार जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। रेगिस्तान जो बारिश को तरसता है। जमीन पर सबसे ठंडी जगह जिसे धरती का फ्रीजर भी कहा जाता है। इस महाद्वीप का मालिक कौन है? हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महाद्वीप के बारे में जानने वाले हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है। इसका नाम है एंटार्क्टिका। बर्फ से ढका हुआ यह सफेद रेगिस्तान अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन इसके साथ ही यह अजीबोगरीब तथ्यों के लिए भी मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं एंटार्क्टिका के बारे में चौंकाने वाले रहस्य, जिन्हें सुनकर आपकी आंखें तन जाएंगी। जमीन पर सबसे ठंडी जगह। एंटार्क्टिका को धरती का फ्रीजर भी कहा जाता है। एंटार्क्टिका को धरती का सबसे ठंडा महाद्वीप माना गया है। यहाँ की सर्दियां बहुत लंबी और कठोर होती हैं। 2010 में यहाँ का तापमान -93.2 डिग्री सेल्सियस यानी -135.8 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। इतनी ठंड में तो इंसान की त्वचा कुछ ही सेकंड में जम जाएगी। एंटार्क्टिका साउथ पोल पर स्थित है, जहाँ सूरज की किरणें तिरसी पड़ती हैं और यही ठंड का मुख्य कारण है। एंटार्क्टिका 98% बर्फ से ढका हुआ है। इस बर्फ की चादर की औसत मोटाई 2.5 किलोमीटर या 1.5 मील है। अंतरिक्ष से आए हुए मेहमान। एंटार्क्टिका की बर्फ में कई उल्कापिंड पाए गए हैं, जिनका अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों को चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला है। इनमें से कुछ उल्कापिंडों की उत्पत्ति संभवतः मंगल ग्रह से हो सकती है। यह उल्कापिंड किसी विशाल टक्कर के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरे होंगे और लाखों सालों से एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे जमे हुए हैं। छिपा हुआ पहाड़ों का साम्राज्य। एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे छिपी है एक विशाल पर्वत श्रृंखला, जिसे गैम्बर्ट्सेव सब ग्लेशियल माउंटेन्स भी कहते हैं। ये पहाड़ इतने बड़े हैं कि इनकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर यानी 750 मील और ऊंचाई 3000 मीटर यानी 9000 फीट तक पहुंचती है। एंटार्क्टिका का रंग बिरंगा आसमान। एंटार्क्टिका में साफ मौसम में रात के आकाश में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस लाइट्स का अनुभव नजारा देखने को मिलता है। यह हरे, बैंगनी, नीले और लाल रंग की लाइट्स का एक अलग ही प्रदर्शन होता है, जो सूरज से चार्ज पार्टिकल्स के वायुमंडल में टकराने से होता है। ऑरोरा लाइट्स आमतौर पर मार्च से अक्टूबर में दिखाई देती हैं, जब एंटार्क्टिका की रातें लंबी और अंधेरी होती हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। एक रेगिस्तान जो बारिश को तरसता है। आप रेगिस्तान की कल्पना तो रेत से ढके हुए इलाकों के रूप में करते होंगे, लेकिन एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ड्राई या शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ सालाना औसतन सिर्फ 200 मिलीलीटर यानी 8 इंच की बारिश होती है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिन्होंने लाखों साल से बारिश नहीं देखी है। विशाल झील जो बर्फ के नीचे दबी है। एंटार्क्टिका की बर्फ की मोटी चादर के नीचे लगभग 4 किलोमीटर यानी 2.5 मील नीचे छिपी है एक विशाल झील, जिसे लेक वोस्टोक भी कहते हैं। यह झील इतनी बड़ी है जितना कि लेक ओंटारियो, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह झील लाखों सालों से आइसोलेटेड है। इस झील में अनोखे जीव जंतु पनपे हो सकते हैं जो शायद दुनिया ने अभी तक नहीं देखे हैं। सूरज का नजरअंदाज करना। एंटार्क्टिका में साल के 4 महीने तक सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती है। दरअसल मार्च से लेकर सितंबर तक यहाँ लगातार अंधेरा रहता है। कल्पना कीजिए 4 महीने तक बिना सूरज के रहना कैसा होगा। अंतरिक्ष अनुसंधान का केंद्र। एंटार्क्टिका की कठोर परिस्थितियां इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक आदर्श जगह बनाती हैं। यहाँ पर कई रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
जहां वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अध्ययन और प्रयोग करते हैं। चलती हुई बर्फ की नदियां। एंटार्क्टिक केवल बर्फ का घर ही नहीं है, बल्कि यहां विशाल बर्फ की नदियां भी बहती हैं, जिन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है। यह नदियां धीमी गति से चलती हैं, पर सालों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। यह ग्लेशियर इतने बड़े होते हैं कि सारे देशों को साल भर पानी दे सकते हैं। एंटार्क्टिका का मालिक कौन है? एंटार्क्टिका को लेकर के एक दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई भी मालिक नहीं है। इस महाद्वीप में 1959 में एक एंटार्क्टिका संधि हुई थी, जिसके द्वारा एंटार्क्टिका को कंट्रोल किया जाता है। इस संधि पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और अब तक 54 देश इस संधि का हिस्सा बन चुके हैं। यह संधि एंटार्क्टिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित रखने का प्रयास करती है। इसका मतलब है कि एंटार्क्टिका पर कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं हो सकती और इसका इस्तेमाल सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही किया जा सकता है। हालांकि कुछ देशों ने एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों पर अपना दावा किया है, लेकिन इन दावों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि आपको एंटार्क्टिका के ये रहस्य पसंद आए होंगे। अगर आपने वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको एंटार्क्टिका के बारे में कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। धन्यवाद।